आज हम बात करने वाले हैं बेवकूफ.com की। ये शुरू 1 अप्रैल 2012 के अंदर हुआ और इसको शुरू किया था 2 IIT के बच्चों ने। इसकी शुरुआत प्रभ किरण सिंह और सिद्धांत मुनोत ने करी थी। आज हम इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है गो विद द कस्टमरीज। प्रभ किरण ने अपनी टी शर्ट के ऊपर बेवकूफ.com लिखवाया और वो इस टी शर्ट को पहन के अपनी पूरी यूनिवर्सिटी घूमे और बच्चों को इनका डिज़ाइन बहुत पसंद आया। फिर उसने 30,000 इन्वेस्ट करके IIT के कैंपस में स्टॉल लगाया। 30 से 40 पीसेस भी बिक जाएंगे तो यार प्रॉफिट हो जाएगा, और इतने ज़्यादा अच्छे लगे लोगों को कि 300 के 300 बिक गए। इसके बाद इन्होंने कस्टम प्रिंटिंग करना स्टार्ट किया, जैसे कि टी शर्ट, मोबाइल कवर, मास्क और बैग। सेकंड इज़ लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। इनको पता था कि सारी चीज़ें खुद करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लग जाएगी, फिर उन्होंने आउटसोर्सिंग चूज़ किया। थर्ड इज़ कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। डोंट बिल्ड द प्रोडक्ट, फर्स्ट अंडरस्टैंड योर कस्टम बिहेवियर। इन्होंने देखा कि लोगों को फंकी डिज़ाइन बहुत पसंद है, एब्यूसिव डायलॉग्स, स्टैंड आउट आउटफिट, मूवी डायलॉग्स, मीम्स, इसकी डिमांड तो है पर सप्लाई कम है। तो फिर इन्होंने मैन्युफैक्चर टी शर्ट लेने शुरू किए बहुत सस्ते दाम पे, फिर कस्टम डिज़ाइन प्रिंटिंग करना शुरू किया। ये करने से मंथली रेवेन्यू 20 करोड़, ईयरली रेवेन्यू 200 करोड़ और प्रॉफिट ईयरली 30 से 35 करोड़ होने लग गया। फोर्थ इज़ मार्केटिंग प्लान। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, FB, इंस्टा, तो इन्होंने मीम्स के थ्रू इनडायरेक्ट मार्केटिंग शुरू किया। फिफ्थ इज प्राइस कॉम्पिटेंसी। इन्होंने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बहुत कॉम्पिटिटिव रखी है। ये लोग एक टी शर्ट करीब करीब 250 की बेचते हैं। ये बल्क परचेस करते हैं और डिजिटल प्रिंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इतनी प्राइसिंग अफोर्ड कर पाते हैं। एवरी ट्रेंड इज अ ट्रेंड ओनली फॉर अ वेल, सो इन लोगों को बिजनेस के न्यू फील्ड एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, डाउनलोड फाइनेंस नाउ।